सभी को एक पीला पाउडर दे रही हूँ, तो आज के लिए जहाँ जहाँ पे गए वहाँ वहाँ ये पीला पाउडर आपको डाल देना है। वो डालना शुरू करते और देखते ही देखते पूरा गाँव सोच से भर जाता था, पूरा मलयुक्त हो जाता था। कैसा दिख रहा है? ये ऐसे ही रहेगा या इसके लिए आप बदलेंगे? बदलेंगे मैडम। राजस्थान का पिछड़ा इलाका जो जिला है बांसवाड़ा, वहाँ पर लोग रूढ़िवादी भी लोग रहते हैं। इन्होंने ब्रांचियाँ फैला दी कि जहाँ खाना बना के खाते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ इस तरह का गंदा काम हम नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। पंडित घर घर पर्ची बना बना के देते थे, जिसके घर में शौचालय बनाना उसके राशि पे मुहूर्त निकाल के उनको समय चौकड़िया वो टाइम लिख के देते कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका शौचालय का निर्माण काम चालू कराना है। खुले जगह में शौच नहीं होना चाहिए, इस्लाम में भी मना है, किसी भी धर्म ये इजाजत नहीं देता। इसलिए आप लोगों से हम ये दरखास्त करते हैं, टॉयलेट हम हर घर में बनाएंगे और व्यवहार करेंगे। हमने एक मुहिम और चलाया था, मौलवियों को अपने मुफ्तियों को जो अपने काजी हैं उनको बोल देंगे कि जिस घर में टॉयलेट नहीं उस घर का निकाह आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिविंग टूल्स थे, तो हमने खुद भी कुछ टूल्स बनाए हुए थे, जैसे कि जिद करो, बच्चे जिद करते थे अपने घरों पे शौचालय बनाने के लिए। वो जिद ये करेंगे जिनके घर शौचालय नहीं है कि पापा हमें शौचालय चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे, खास तौर से लड़कियां। कुछ ने एक दो दिन के लिए खाना छोड़ दिया, कुछ ने स्कूल आना छोड़ दिया, स्कूल तब जाऊंगी तब आप घर में शौचालय बनाए। बबलू ने तो मल किया और उस पर जो मक्खी जाकर बैठी वो बिल्लू के घर चली गई, उसके खाने में बैठ गई। तो नत्थू का या गुड्डू का मल किसने खा लिया? बिल्लू ने खा लिया। यास्मीन का नसरीन ने खा लिया। तो पंडित जी ने सबसे पहले क्या कि उनके पूजा पाठ की, तो जैसे उस व्यक्ति को देखा तो दूसरे भी प्रेरित हुए, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। इसी प्रकार स्वच्छता का हमने जैसे हमने कारोबार चालू किया तो हम पहले 5 निकले, दूसरे दिन 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, इसके बाद 200 हुए, इसके बाद पूरा गांव जुड़ गया। तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुआ, 1 महीने 20-25 दिन के बाद मैं उस गांव में चला गया। जिस घर में मैंने पहले बार एंट्री किया था उस घर में टॉयलेट नहीं था, तो मैंने जो टॉयलेट बनाया था उसके बजाय दूसरा टॉयलेट उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। तो देखा कि 80% लोगों के घर के अंदर टॉयलेट उस वक्त बन गए थे। आंखों के पहने हैं गहने, जय स्वच्छता। तो वो स्लोगन ऐसे थे कि लोगों के दिलों पर लगते थे, सच्चे स्लोगन थे। और महिलाएं ने भागीदारी हमारे साथ निभाई, तो महिला स्वयं थाली बजाकर संदेश देती हुई गीत गाते हुए पूरे पंचायत के रोंदों में भ्रमण किया। और लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित किया। इस मिशन में हर स्वच्छाग्रही का उतना ही बड़ा योगदान था जितना स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रही का। भारत के कोने कोने में इन्होंने बदलाव का ऐसा बिगुल बजाया कि स्वच्छ भारत मिशन बन गया एक जन आंदोलन। मेरा नाम है सुनीता देवी। 5 गांव का आज मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। सभी को जोहार। जब मैं शादी करके जब अपने ससुराल आई थी तो हमारे ससुराल में टॉयलेट नहीं था। एक दिन हम पूरे परिवार से बैठ करके इसके विषय में निर्णय किए कि हमारे लिए टॉयलेट कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक टॉयलेट हमारे घर में बना। हमारे घर की जो अगल बगल जो महिलाएं थी पूछती थी कि क्या हम 13 शौचालय यूज कर सकते हैं। जब यूज करते थे तो उनको बहुत ही कम्फर्टेबल फील होता था, तो उनको भी समझ में आया कि हमारे लिए भी शौचालय होना चाहिए। और उस शौचालय को बनाने के लिए राजमिस्त्री की जरूरत थी, और उस समय राजमिस्त्री उसे बनाने के लिए इनकार कर दिए। तो इसी स्थिति में हम सभी महिलाएं ने सोचे कि ठीक है, ये हम महिला के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्यों नहीं हम इसको बना सकते हैं। हम महिला का जो उत्साह को देख करके हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने निर्णय लिए महिला को ही ट्रेनिंग दे करके उन्हें ही तैयार करें। और वहां से हम प्रशिक्षण लेकर के अपने गांव में आए, और अपने गांव में आकर के एक गुणवत्ता टॉयलेट्स का हमने निर्माण किया। तो इस प्रकार से आज हम पूरे झारखंड में आज रानी मिस्त्री उभर करके आई, और इस पे बढ़ चढ़ करके हम महिलाएं आज काम कर रही है। टॉयलेट ही नहीं, आज कहीं कहीं तो महिलाएं भवन भी बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि आज किसी भी क्षेत्र में महिला कमजोर नहीं है,
पुरुषों से कम नहीं है। वो जो पुरुष नहीं कर सकते वो महिला करके दिखाई। झारखंड में लगभग 70,000 से ज्यादा कर्मठ रानी मिस्त्रियों ने बहुत सारे शौचालयों के निर्माण का ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया। मिशन की मशाल आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरे भारत में 6,00,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रही इससे जुड़ते गए। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही निर्देश दिया कि हमें सिर्फ टॉयलेट बनाने नहीं हैं, हमें यह यकीनी बनाना है कि इन टॉयलेट्स का प्रयोग करते हुए सही तरीके से हम यह जो खुले में शौच की प्रथा है उसको यकीनी तौर पर बंद करें। इसको करने के लिए हमें एक बहुत रोबस्ट किस्म की एक एफर्ट की ज़रूरत है। लॉट ऑफ पीपल फेल्ट दैट Right, it will take a long time for us to actually arrive at this campaign and seed it into the people. They wanted something quick, right? So we said that one of the ways to do it probably would be to shame people. Everyone who is doing a certain act of uncleanliness, if there were people who were shaming them, it would work. गांव-गांव पे जैसे ही ये चर्चा बढ़ी और जैसे ये बात फैली तो बहुत जगह पे निगरान समितियां बनी। निगरानी समिति ये हमने गठित कर रखी थी कि शौचालय बनने के बाद भी कोई खुले में से शौच नहीं जा रहा, इसको पाबंद करने के लिए हमारी निगरानी कमेटी उसको समझाने के लिए फिर जाती है। तालियां बजाना, थाली बजाना, विशल बजाना, मतलब जो खुले में शौच जा रहे उसको सचेत करने का काम कर देते, तो वो आदमी वहां से उठ के भाग जाए। मैं सुबह 4 बजे उठकर विशल बजा बजा कर लोगों को खुले में शौच जा रहे थे वहां से उठाए, तो फिर हम जब निकले तो हमारे साथ लोग जुड़ते गए। कुछ बच्चे इतने शैतान या शातिर हम उनको कह सकते हैं कि अगर कोई खुले में शौच कर रहा है तो वो चुपके से झुंड की आड़ में अगर बैठा है और लोटा आगे रखा है तो वो उसका लोटा उठाकर भाग जाते थे। पंचायत के लोगों ने खुद ही निर्धारित किया कि हम खुले में शौच में जाने वाले को क्या सजा देनी चाहिए, तो उसके ऊपर 500 रुपए या 1,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए, और खुले में शौच करते हुए अगर कोई देख लेता है वो अगर आकर के निगरानी समिति को ये चीजें बता रहा है तो उसको भी 200 रुपए का इनाम के तौर पे रखा गया। कोई हमारी बात नहीं मानता था तो हम क्या करते, माला पहना के उसके स्वागत करते हैं, उसका फोटो लेते थे, तो वो कहता नहीं नहीं यार फोटो मेरा डिलीट करो, आज के बाद शौचालय का उपयोग करूंगा, आज के बाद मैं खुले में शौच नहीं जाऊंगा। तुलसी को पवित्र माना जाता था तो कई पंचायतों के तालाब के किनारे भी तुलसी के पौधों का रोपण किया गया, कई विसिल वाहिनी बनी, कई महिला कमांडो बनी। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बदलती गई। बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर कि बाहर खुले पे जब जो लोग जाते थे तो उसका नाम भी लिखते थे और उनके मल पे वो झंडे गाड़ देते थे। और इन स्वच्छाग्रहियों ने इतना अच्छा काम किया, इस काम के लिए उन्हें अलग अलग स्तर पर रिकग्निशन भी मिली, और प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वच्छाग्रहियों को जब रिकग्नाइज किया तो कितनी इनकरेजमेंट उनकी हुई ये तो हम समझ सकते हैं। ओवरऑल देयर वर अबाउट 110 मिलियन टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड, but more importantly they were being used. The WHO, the World Health Organization, did a study which found that the Swachh Bharat Mission Grameen alone was going to save the lives of more than 300,000 children below the age of 5. So that's a huge savings in life. Biggest success of the SBM 1.0 was not the physical targets, it was the fact that you were able to convert a mission of the government into a Project of the people and a Jan Andolan. दुनिया ने जिस विषय के लिए यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में हमें 2030 तक का समय दिया था, और क्योंकि हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे ओपन डेफिकेशन में, दुनिया को चौंकाते हुए हमने 2019 में भारत ने अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। मुझे याद आता है उस आइकॉनिक